हे ब्यूटीफुल पीपल वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैंने बनाई है चुटिया छोटे छोटे बालों की छोटी सी चुटिया तो मैं अपने नीज एंड नेफ्यू को जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ने और उसके बाद मैंने सोचा है आज मैं जूडियो जाऊँगी फिर से उनका स्टॉक देखने और मुझे कुछ आ, समर की शॉपिंग भी करनी है क्योंकि मेरे फ्रेंड की है मेरे बेस्ट फ्रेंड की होने वाली है शादी तो मुझे कुछ बेसिक आउटफिट भी चाहिए और शादी की शॉपिंग तो करूँगी ही करूँगी वो कहाँ से करूँगी मुझे खुद नहीं पता अभी मैं सोच ही रही हूँ कि वेडिंग आउटफिट कहाँ अच्छे मिलेंगे और फिलहाल तो मैं ऐसे ना कैजुअल वेयर के लिए जा रही हूँ तो मैंने सोचा एक राउंड मार के आती हूँ अगर कुछ समझ आएगा तो फिर लेके आऊँगी चलो आप मेरे साथ बने रहिए उनको ट्यूशन छोड़ के मैं जाऊँगी जूडियो तो आप बने रहिए मेरे साथ तो ये आज मैंने पहना है हाई नेक क्योंकि ना मेरे आज थोड़ा सा गले में खिच हो रही है तो मुझे लग रहा है अभी वेदर चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा मे भी कोल्ड लगे इसलिए मैंने पहले हाईनेक पहन ली तो चलो मिलते हैं तो मैं निकल गई हूँ घर से आप देख लो मेरा होल आउटफिट ये जो ट्राउज़र है मीशो से है जो मैंने स्वेटर पहना है ये अरबेनिक का है और हाईनेक भी मीशो से है और बैग मैंने लिया था मिस्टर डी आई वाई से मेरी आवाज़ में भी थोड़ा सा आपको लो साउंड करे आज क्योंकि मे मेरे को हो रहा है कोल्ड तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रही है पर प्लीज़ मैनेज फिर मैं निकल गई अपनी नीज़ एंड नेफ्यू को ट्यूशन ड्रॉप करने के लिए तो आज मैंने लंबे रास्ते लेके जा रही हूँ शॉर्टकट भी था फिर वो कभी कभी बोलती है कि चलो मैं लम्बे रास्ते घूमते हुए है, जाते हैं तो वो सारा जान वो सारा क्रॉस करने के बाद मैंने उनको फाइनली उनके ट्यूशन ड्रॉप कर दिया वहाँ ड्रॉप करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने उसे बाई बोला बाई ग पहुँच गई हूँ जूडियो चलो एक्सप्लोर करते हैं और जैसे ही मैं पहुंची मेरे आगे पे एक फैमिली जा रही है आप देख सकते हैं तो मैंने देखा मैंने कहा आज तो यहाँ बहुत क्राउड होने वाला है और अंदर जाके देखा तो काफ़ी क्राउड था पर मुझे क्या मैंने अपना बैग पकड़ा और मैं चली गई एक्सप्लोर करने जो जो मुझे लेना था या फिर देखना था मैंने कहा वो मैं देखूँगी सबसे पहले मैंने चेक किया अपना आउटफिट क्योंकि आपको पता ही है लड़कियाँ ये सब तो करती करती हैं तो मुझे देखना था अपने को कि कैसी लग रही हूँ फिर उसके बाद मैं अपने काम पे शुरू हो गई वन नाइन्टी नाइन में थे बहुत सारे क्योंकि समर आउटफिट है ये सारे अब ये टी शर्ट की जरूरत बहुत पड़ने वाली है तो इसलिए और उसके बाद हम सिक्स नाइन्टी नाइन की तरफ को गए जिसमें बॉडी कॉन ड्रेस थी और मैं आपको लास्ट में सब दिखाऊंगी आप बने रहना ये बॉडी कॉन ड्रेस में ना सारे कलर भी थे और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल भी था इनमें तो 399 के इस टाइप के टॉप थे जिसमें बैक साइड में कट था सॉरी फ्रंट में कट था तो बैक साइड से भी मैंने आपको दिखा दिया बैक साइड से प्लेन था और इसमें ना कलर भी अवेलेबल थे ब्लैक एंड वाइट था और ये भी था पर्पल भी था फिर उसके बाद जो मैं इस तरफ आती हूँ ना जिसमें रेड और हॉट पिंक कलर के हैं इनकी क्वालिटी अच्छी थी ये सारे थ्री नाइन्टी नाइन के थे पर इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी एज़ कम्पेयर वाइट वन के ये जीन्स बहुत प्यारा लग रहा था बट यार सैड वहाँ ना मेरा साइज़ ही नहीं मिलता ये साइज़ ही मेरा ऐसा है कि जैसे ही मतलब आता है स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है मैंने उनसे भी बात करी थी कि स्टॉक लगता कब है आपका फिर इस टाइप के आप जिम आउटफिट इनको बना सकते हैं अपने स्ट्रैप वाले इनमें भी बहुत कलर अवेलेबल

तो ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में थे काफ़ी मैंने जैसे बोला है ना जूडो एक ऐसा ब्रांड बन गया है और एक्चुअली है भी वो आज फर्स्ट टाइम आपको लॉन्जरी दिखाने जा रही हूँ तो ये स्टार्टिंग है इनकी थ्री थ्री डबल नाइन की और लिटली ना मैंने टच करके देखा क्वालिटी इतनी अच्छी थी इनकी सॉफ्ट मटेरियल था बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ रहा है इसीलिए मैंने मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इसको इसका भी ब्लॉग बनाने का पर मैं बना नहीं पाई और ये देखो आप ये बॉडी शॉर्ट्स हैं जो जिमिंग के लिए हैं इनके लिए तो बहुत अच्छे हैं इसमें कलर भी आपको अवेलेबल मिल आ, अवेलेबल हैं तो ये भी आपने देखा मैंने आपको प्राइस दिखा दिया 149 मतलब बहुत सही प्राइस पे है अगर आप ऑनलाइन भी मंगाते हो ना तभी भी इससे कम प्राइस का आपको नहीं मिलता है 249 के कॉम्बो थे मतलब इसमें हाई वेस्ट फुल कवरेज भी था मिड भी था और लो भी था तो और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है मतलब प्रॉपर एक अच्छा कॉटन था ये फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये शेफ वेयर भी थे 399 का ही शेप वेयर भी था और ये तो हर कोई मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं ना ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी के वॉर्ड्रॉप पे होनी ही चाहिए गर्ल्स के तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें ऑनलाइन हर चीज़ नहीं मंगानी पड़ेगी यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ फिर उसके बाद मैं चली गई कॉर्ड सेट की तरफ को क्योंकि समर है तो अब कॉर्ड सेट मतलब वैसा वाला मटीरियल ये कॉटन प्योर कॉटन मटीरियल था जिसमें इन्होंने सेट आप इन इंडिविजुअल भी ले सकते हो और सेट भी इसका लोअर था फोर का और अपर था थ्री डबल नाइन का अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कितने में आपको पूरा सेट मिल जाएगा और कलर और सब कुछ अवेलेबल था डिफ़रेंट डिफरेंट थे ये फ़र्स्ट टाइम इसको जूम करके दिखा रही हूँ ना क्योंकि ऑस्टिन वाइट जीन्स क्या होती है मुझे तो नहीं पता थी ना मेरे पे है तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ थ्री नाइन्टी नाइन में फुटवेयर मैंने ज़्यादा इस बार कवर नहीं किए इसलिए नहीं किए क्योंकि काफ़ी पुराने वाले भी थे जो मैं दिखा चुकी हूँ नए मुझे ये वाले लगे थ्री डबल नाइन में आप बताओ ये मैंने ना पहन के भी देखे बस मुझे ये इसलिए अच्छा लगा ये मटेरियल ऐसा है ना जब आप बरसात होती ना तभी भी आप पहन सकते हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा था फिट इशू तो नहीं था पर थोड़ा सा तो ऐसा लग रहा था कि खुल जाएगा पहनते ही थोड़ी सी तो इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा था पर लक कैसा रहा है वो आप ज़रूर बताना इसलिए और फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ इस टाइप के टॉप थे जिसमें स्ट्रिंग होती है आप खींच के ना इसको आपको पता ही है काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट करती है अगर आप सिंपल पहनना चाहते हो तो सिंपल भी पहन सकते हैं और स्ट्रिंग ये ड्रॉ ऊपर खींच के भी ये आप बना सकते हैं ये भी थ्री नाइन्टी नाइन सॉरी थ्री डबल नाइन का था फिर उसके बाद ना ये ये वाले टॉप की क्वालिटी लिटरली मुझे वैसे अच्छी नहीं लगी जैसे मीशो पे आ, ऐसे आती है ना कम आ, मतलब कम प्राइस वालों की क्वालिटी वैसी ही थी और ये वाला मैंने पूरा आप देख सकते हो ये मुझे ना वैसे कॉस्टली लगा इसके अकॉर्डिंग थ्री का इसका लोअर था पर अपर आप आपने देखा ही होगा फाइव कुछ का ही था उसके अकॉर्डिंग मुझे समझ नहीं आया फिर ये मैंने टॉप देखा ये मुझे बहुत अच्छा लगा टू डबल नाइन के हिसाब से इसकी क्वालिटी ना मतलब जब मैंने चेक करी बहुत अच्छी थी मैंने ऐसे लास्ट टाइम न्यूमी से लिया था वो मुझे कॉस्ट करा था फ़ाइव डबल नाइन तो मुझे बहुत सही लगा उसके बाद कुछ इस टाइप के सेट थे जैसे ना नेकर वाले आप समर में यही पहनते हैं फोर डबल नाइन में आपको टी शर्ट और ये नेक्कर मिल जाएगी फ्लावर्स में देख लो आप कितना प्यारा लग रहा है मतलब अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर कॉटन था ये भी अच्छा मटीरियल था तो उसके बाद ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा सिक्स डबल नाइन के ये ना ऐसे फुल स्लीप भी नहीं था इनका थ्री फोर्थ स्लीप जो होती है उस टाइप के थे और पूरा इसको आप कॉर्ड सेट भी बना सकते हो इसमें दो ही कलर थे ब्लैक एंड ल, ल, लाइट लेवेंडर और पता नहीं इसको क्या ही बोलेंगे फिर उसके बाद मैं चली गई इस तरफ जहाँ पे ये मिडी काइंड ऑफ थे और फ्लोरल था पूरा और फ्रिल वाला फ्लोरल और टॉप भी इतने वाइब्रेंट कलर थे ना कितना प्यारा कलर ये लग रहा था पर मैं कहती तो हूँ ना जब भी मैं जाती हूँ पता नहीं साइज क्यों अवेलेबल नहीं होता है जूडियो मतलब बहुत ख़तरनाक ही ट्रेंड पे चल रहा है हर चीज़ वहाँ आउट ऑफ स्टॉक ऐसे होती है मेरे साइज़ का तो ये देखो जैसे ही मैंने डमी देखा ना मैंने कहा वाह कितने प्यारी प्यारी चीज़ें हैं और कलरफुल चीज़ें हैं फिर मैं उधर एथनिक की तरफ को गई तो सेवन डबल नाइन का ये कुर्ता मुझे लिटरली बहुत पसंद आया पहले वाला मुझे ज़्यादा पसंद आया फिर उसके बाद कुछ कुर्ते मैंने और देखे जो मुझे अच्छे लगे क्वालिटी भी अच्छी थी इनका और प्राइस भी अच्छा था फिर उसके बाद मैं कम प्राइस की तरफ को आ गई जहाँ फोर के आप डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं और थ्री के भी थे इनको आप डेली वेयर में यूज कर सकते हो तो डेली वेयर के लिए तो बहुत अच्छे हैं फिर मैंने क्या क्या लिया वो आपको पता चलने वाला है सबसे पहले मैं इस आउटफिट की बात करती हूँ जैसे ही मैं गई सबसे पहले मैंने ना ये ले लिया अपने बैग में मैंने कहा ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए क्योंकि कुछ डिफरेंट स्टाइल था इसका और कंफर्टेबल था एट द सेम टाइम और ये वाला 399 का था पर इसकी ना मुझे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी थ्री के अकॉर्डिंग तो इसलिए मैंने इसको मतलब रिजेक्ट कर दिया ले सकते हैं आप और ये ग्रीन वन तो मतलब इतना प्यारा था पर यह कैमरा ना इसको मेरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा इस कलर को ये बिल्कुल भी नहीं है जैसे मेरे कैमरे में दिख रहा है पता नहीं ऐसा क्यों हुआ ये बहुत अच्छा था उसके बाद ये मैंने ट्राई तो किया फिर मुझे समझ नहीं आया ये स्ट्रैप वाला था ऐसे करके ना फ्रॉक स्टाइल में था ये मुझे बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आया तो मैं क्या बोलूँ उसके बाद मैंने बॉडी कॉन भी मैं बहुत पहनती नहीं हूँ ऐसी चीज़ें पर मैंने ट्राई करने का सोचा मैंने कहा ट्राई करने में क्या जा रहा ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है मुझे पर जो पहनता है उनके लिए बहुत अच्छे देखो आप साइड में कट था थोड़ा सा और फिटिंग भी बहुत अच्छी थी जैसे मैंने बोला मेरा साइज़ नहीं था तो मैं अपने से एक बड़ा साइज ही ट्राई कर रही हूँ मे बी इसलिए ये चीज़ें उतनी अच्छी मेरे पर नहीं लग रही है ब्लैक वन भी अच्छा था ये था आपका सिक्स सिक्स का मुझे जो अच्छा लगा मेरा ना स्टाइल इस टाइप का ही है से फ्रॉक और यहाँ पे आप स्लीव्स देख सकते हैं वहां पे इलास्टिक था स्ट्रेची था वो ट्रिपल नाइन का था ये तो बहुत ब्रेथेबल कपड़ा था इतना प्यारा इसको तो आप मतलब छू करके इसको एक बार आप हाथ में ले लोगे तो आप इसे लोगे ही लोगे ऐसा मटीरियल था और ये था एट डबल नाइन का दैट्स इट फॉर द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी इन द नेक्स्ट वीडियो